अर्नब के लिए मैदान में उतरा विश्व हिंदू महासंघ। महाराष्ट्र की सरकार द्वारा रिपब्लिक मीडिया के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में देश भर से आवाज उठने लगी है। इसी कड़ी में आज मुरादाबाद में भी विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने एक जुलूस निकालते हुए अपना विरोध दर्ज कराया और एक ज्ञापन भी सौंपा है। रिपब्लिक मीडिया के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद से देश के विभिन्न हिस्सों से महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के खिलाफ विरोध के स्वर तेज हो गए और जनप्रतिनिधि से लेकर आम लोगों में भी उनकी गिरफ्तारी को अवैध ठहराया गया है। इसी कड़ी में आज मुरादाबाद में भी विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने एक जुलूस की शक्ल में विरोध प्रदर्शन किया और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये कार्यकर्ता अर्नब गोस्वामी को रिहा करने की मांग कर रहे थे। इनका आरोप था कि अर्नब को गलत तरीके से फंसाया गया है, वहाँ की सरकार उनसे अन्य मामलों से डर कर दबाने का प्रयास किया गया। सर क्या नाम है आपका? जिला प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या ज्ञापन दिया जाएगा आज, किस तरह का प्रदर्शन है? ये अर्नब गोस्वामी को जो बेवजह परेशान किया गया, उनका मुकदमा लगा के अंदर बंद करा जाएगा, जिसकी कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी डांट लगाई है महाराष्ट्र सरकार की। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ है हम लोग, अर्नब गोस्वामी को जल्द से जल्द रिहा करने की मांग करते हैं। मान्य था विश्व हिंदू महासंघ का प्रत्येक कार्यकर्ता जब तक उसके अंदर खून का एक एक कतरा है अर्नब गोस्वामी का समर्थन करता रहेगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। इस संबंध में किसको ज्ञापन देंगे आज आप? इस संबंध में माननीय जिलाधिकारी महोदय को देंगे। ये राष्ट्रपति महामहिम के नाम है और महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने के खिलाफ है।